मैं राम स्वरूप सैनी आर्म्स ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थी, आज का हमारा टॉपिक है अभिप्रेरणा। विद्यार्थियों, अभिप्रेरणा का सामान्य शब्दों में देखा जाए तो अभिप्रेरणा का अर्थ होता है किसी भी व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करना। विद्यार्थियों, एक किताबी भाषा में देखा जाए तो अभिप्रेरणा वास्तव में क्या होता है? व्यावसायिक दृष्टि से अभिप्रेरणा आंतरिक इच्छा या भावना होती है जो कर्मचारियों को पूर्व निर्धारित लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने या उत्प्रेरित करने से होता है। विद्यार्थियों, अभिप्रेरणा के कई तरीके भी हो सकता है, क्योंकि कर्मचारी किसी भी कार्य को करने में कई कई बार आलस कर सकता है। तो एक प्रबंधक होता है, वो कर्मचारियों को उत्प्रेरित करने के लिए कई प्रकार के साधनों को काम में ले सकते हैं। ऐसे साधन कई प्रकार के हो सकते हैं, वो साधन वित्तीय साधन भी हो सकता है, अवित्तीय साधन भी हो सकता है। तो विद्यार्थियों, पहले हम बात परिभाषा की कर रहे हैं कि अभिप्रेरणा क्या हुआ। एक आंतरिक इच्छा या भावना से होता है जो कर्मचारियों को पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्ति हेतु कार्य करने के लिए उत्प्रेरित करता है। विद्यार्थियों, अगर इसकी विस्तृत परिभाषा का अगर हम अध्ययन करें तो क्या होता है कि किसी भी कर्मचारी के एक व्यवसाय में काम करने वाले किसी भी कर्मचारी की भावनाओं, इच्छाओं तथा आवश्यकताओं का अध्ययन करके उन आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जाता है। फिर कर्मचारी क्या होता है, आवश्यकताएं संतुष्ट होने के बाद में कार्य करने के लिए क्या हो जाएगा, उत्प्रेरित हो जाएगा और वह एक फर्म के जितने भी पूर्व निर्धारित लक्ष्य हैं, उद्देश्य हैं, उनको प्राप्त करने के लिए प्रेरित होगा। विद्यार्थियों, इस परिभाषा के आधार पर हम अभिप्रेरणा की कई विशेषताओं के बारे में भी बात करेंगे कि वास्तव में एक अभिप्रेरणा की कौन कौन सी विशेषताएं हो सकती है। विद्यार्थियों, इसकी पहली एक विशेषताएं मैंने लिखी है कि अभिप्रेरणा एक सतत प्रक्रिया है। विद्यार्थियों, एक व्यवसाय में अभिप्रेरणा एक सतत प्रक्रिया मानी जाती है, क्योंकि अभिप्रेरणा एक निरंतर चलने वाली क्रिया है। अभिप्रेरणा को अगर हमने रोक दिया या कर्मचारियों को हम प्रेरित नहीं कर पाए तो एक कंपनी या व्यवसाय अपने पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकती है। तो विद्यार्थियों, हम कह सकते हैं कि अभिप्रेरणा एक व्यवसाय में निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। दूसरी हमारी विशेषता है एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा। विद्यार्थियों, हमने इसकी परिभाषा में ही जिक्र किया है कि अभिप्रेरणा कर्मचारियों की भावनाओं, इच्छाओं और आवश्यकताओं का अध्ययन करके उनकी आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जाता है। तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि जो अभिप्रेरणा है एक मनोवैज्ञानिक अवधारणाएं हैं। उसके बाद में है मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि। विद्यार्थियों, अभिप्रेरणा में एक प्रबंधक अपने कर्मचारियों की आवश्यकताओं का अध्ययन करता है, कर्मचारियों के बारे में ज्यादा से ज्यादा ये पता लगाने का प्रयास करता है कि मेरे कर्मचारी किस तरीके से कार्य को पूरी लगन एवं निष्ठा के साथ कर सकता है। तो जाहिर सी बात है कि एक काम करने वाले कर्मचारियों की जो भी मानवीय आवश्यकताएं हैं, अगर उनको संतुष्ट कर दिया जाएगा तो वह अपने कार्य के लिए तत्पर रहेगा, उत्प्रेरित होगा। विद्यार्थियों, उसके बाद में हमारी चार नंबर की परिभाषा है मानवीय संसाधनों से संबंधित। चार नंबर की विशेषता, सॉरी, मानवीय संसाधनों से संबंधित। विद्यार्थियों, जो अभिप्रेरणा है वह मानवीय संसाधनों से संबंधित है। अब वो कैसे, क्योंकि हम एक व्यवसाय में काम करने वाले कर्मचारियों को ही अभिप्रेरित कर सकते हैं, उत्प्रेरित कर सकते हैं, क्योंकि मशीनों को
या किसी भी प्रकार की यांत्रिक जो चीजें हैं उनको हम अभिप्रेरित नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसकी एक विशेषता है कि यह मानवीय संसाधनों से संबंधित है। विभिन्न अब पांच नंबर की आपकी विशेषता है विभिन्न विधियां। विद्यार्थियों एक फर्म में कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने के लिए विभिन्न विधियां भी होती है। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि वो विधियां वित्तीय विधियां भी हो सकती है, अवित्तीय विधियां भी हो सकती है। वित्तीय विधियां में मतलब सैलरी से संबंधित हो सकती है, कमीशन से संबंधित हो सकती है और आपका ओवर टाइम से संबंधित हो सकती है। मतलब काम के बदले कोई भी सैलरी बढ़ाकर देना वित्तीय साधन में आते हैं। अवित्तीय साधन में अभिप्रेरणा के अवित्तीय साधन में वे साधन आते हैं जिनमें किसी भी प्रकार की वित्त नहीं दी जाती है। उसमें आप मतलब कर्मचारियों को प्रशंसा या शाबाशी देकर उत्प्रेरित किया जाता है। फिर है विद्यार्थियों आपकी छह नंबर की विशेषता कि संतुष्टि का कारण एवं परिणाम। विद्यार्थियों इस विशेषता के अंतर्गत कि एक कर्मचारी की जितनी भी मानवीय आवश्यकता है उन आवश्यकताओं की संतुष्टि के कारण और वो संतुष्टि अगर कंप्लीट हो जाती है, आवश्यकता संतुष्ट हो जाती है, उसके बाद में उनका क्या परिणाम होगा उसके बारे में प्रबंधक अध्ययन करता है। तो हम इसकी छठी परिभाषा के अनुसार विशेषता निकाली है कि संतुष्टि का कारण एवं परिणाम के बारे में। फिर आपका सात नंबर है कार्य कुशलता व कार्य क्षमता में वृद्धि। कार्य कुशलता सात नंबर की आपकी विशेषता है कार्य कुशलता एवं कार्य क्षमता में वृद्धि। विद्यार्थियों अगर किसी व्यक्ति की जो भी मानवीय आवश्यकताएं हैं उनको अगर प्रबंधक संतुष्ट कर देता है तो एक फर्म में काम करने वाला कर्मचारी बहुत ही मन लगाकर बहुत ही इच्छा शक्ति के साथ अपने कार्य को अंजाम देता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अभिप्रेरणा के माध्यम से एक फर्म में काम करने वाला कर्मचारी है उसकी कार्य कुशलता व कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। उसके बाद में आपकी आठ नंबर की विशेषता मनोबल से भिन्न। इस विशेषता के अंतर्गत यह माना जाता है कि अभिप्रेरणा मनोबल से भिन्न होती है। अभिप्रेरणा और मनोबल में अंतर होता है। तो इस तरीके से विद्यार्थियों मैंने अभिप्रेरणा की परिभाषा और अभिप्रेरणा की विशेषताओं के बारे में आपको बताया है। कल हम विस्तार से अभिप्रेरणा की विभिन्न विधियों, उनकी आवश्यकताओं और उनके महत्व के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हमारा इतना ही। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।